जाने वाला आज की जीत के नाम। लेकिन हम बड़े उस्ताद के लिए इतना खुश क्यों हो रहे हैं? क्यों ना हो, आखिर वो हमारी अब... कोई बात नहीं आका, पानी पानी आका, पानी पीजिए। क्या हुआ शहजादे, कौन याद कर रहा है? कहीं कोई कानून तोड़ने वाला चोर तो नहीं? चोर? नहीं नहीं, आका को कोई चोर नहीं जानता है, चोर कैसे याद करेगा? चोर नहीं जानती है, चोर नहीं याद कर रही होगी। जीनू? जीनू क्या, सच बता रहा हूँ, जब वो होश में आई तो सिर्फ आप ही का नाम ले रही थी। क्या कह रही थी, क्या कह रही थी कि कहाँ है मेरा अलादीन? तुम दोनों ज्यादा उछलो मत, समझे? अरे छोड़िए ना आका, समझ गए आका, ये मेरे आका हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे आका। माफ करना, गलती से मुंह से निकल गया। पर तुम दोनों ना अब हमारी टांग खींचना बंद करो, क्योंकि ज्यादा और एक तो जफर ने बिचारी की यादें ले ली। बिचारी? हाँ, और हमने भी अपने खेल में उसका इस्तेमाल किया ना, प्यारी सी जोरनी को जहर बना दिया। प्यारी? हाँ, और फिर वापस हमने उसे नदी के किनारे पहुंचा दिया। हमारी जोरनी को तो समझ में भी नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। हमारी? सही खेल गए। हाँ मतलब हमारी तुम्हारी, तुम्हारी हमारी, हमारी तुम्हारी, हम सबकी तो दोस्त। क्या बोल रहे हो तुम लोग? हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बस याद कर रहे हैं जो नदी के पास हुआ था। ये हाय छोटे, हाय लोटे। क्या हुआ शहजादी? वही चोरनी को बचाते बचाते आका खुद शहीद हो गए। अब ज्यादा खिखी करने की जरूरत नहीं है, अब उसकी जगह कोई भी होता तो हम वही करते। हाँ, हंसी मजाक हो गया तो काम की बातें कर ले। हाँ, वो पहली तो बताइए जो जफर ने आपके कान में कही थी। हाँ, जब हमने उसे यादों की बरात के बारे में पूछा तब उसने हमसे कहा, यादों की बरात एक महल है या कोई कमरा जहाँ पर जफर सबकी याददाश्त रखता है। भाई जैसे कि हमने पहले कहा था, इस वक्त हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते, मुश्किल होगा, पर बिना कोई सवाल किए हम पर यकीन कर सकते हो। बेशक तो वो पहली थी, ना अंदर है ना बाहर है, ना दिन में है ना रात में है, सफेद चादर में लिपटा राज है ऐसा इस बात में, न दिखता है न मिलता है। ये जाम सा खुमार है, इसे ढूंढना बेकार है। न अंदर है न बाहर है, दिन में है न रात में, सफेद चादर में लिपटा राज है ऐसा इस बात में, न दिखता है न मिलता है, ये जाम सा खुमार है, इसे ढूंढना बेकार है। ये कैसी पहेली है?
इसका क्या जवाब होगा? होगा, और जहां इसका जवाब होगा वहीं पर यादव की बारात का महल भी होगा, और हम वहां तक जाएंगे क्योंकि शहजादे ऐसे ही होते हैं। ना अंदर है ना बाहर है, ना दिन में है ना रात में है, सफेद चादर में लिपटा ऐसा इस बात में एक राज है। न दिखता है न मिलता है, ये जामसा कुमार है, इसे ढूंढना बेकार है। ए, लोटे, तुम्हें अगर पहली सुलझानी है तो कुछ काम करो, ये आड़े पे छोड़ने से कुछ नहीं होगा, समझे? रास्ते भले ही अलग है पर मंजिल एक है, अपने अपने तरीके से कोशिश करते रहो, देर सही पर मंजिल मिलेगी जरूर, वो भी मेरे रास्ते से। छोटे लोटे, सफेद चादर में लिपटा, फिर जहां भी है सफेद चादर में ही है, कहीं लाश वाश का चक्कर तो नहीं? लाश, लाश, आके लाश, आका। छोटे, लोटे, ना दिन में है ना रात में है, तो कब है? आका, ना हमारे रात का पता है ना हमारे दिन का, हम तो कहीं बीच में ही फंस गए। चिनू, ना सुबह ना रात, यानी सूरज का ढलना और चांद के निकलने का बीच का वक्त, शाम का निकलना। अरे शाम का धुंधल। ये सूरज तो निकल गया, हमारी कामयाबी का सूरज भी अब जल्दी निकलेगा। पर शाम का वो वक्त चंद लम्हों का ही होता है शहजादे, इसलिए जो कुछ करना है वो जल्दी करना होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम करेंगे कहाँ? ना अंदर ना बाहर, तो जरूरी सामान वाले कमरे और जरूरी कमरे महल में ही होते हैं। जिन्हों हो ना हो यादव की बारात नाम का ये कमरा भी ना महल में ही होगा। शहजादे, इतना बड़ा महल, इतना कड़ा पहरा, यादव की बारात वाला कमरा ढूंढेंगे कैसे? और अय्यार जफर ने उस कमरे पर कड़ा पहरा लगा रखा होगा। वो मुझ पे छोड़ दो। हमें महल की अच्छे से छानबीन करनी होगी, ये काम बहुत मुश्किल है, इसलिए जाने से पहले हमें चोरनी से कुछ चाहिए। क्या चाहिए? प्यार। सही खेल गए, बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है तुम लोगों का। मुद्दे पे रहो, मुद्दे से भटको मत।
शाम होने में अभी कई घंटे बाकी है, लेकिन यादव की बारात को ढूंढने में वक्त लगेगा, इसलिए थोड़ी देर में तुम दोनों हमें महल के बाहर मिलो। जो हुक्म मेरे आका। हम भी जरा चोरनी से थोड़ी मुलाकात कर लें। निकम्मी शहजादी ने जंगल में ले जाकर मेरा वक्त बर्बाद किया और अब मेरे ख्यालों में आकर मुझे पूरी रात बर्बाद कर दी। आखिर उसका मकसद क्या है? यहाँ भी सीधे से तो उसे जवाब देना आता नहीं है। मैं भी टेढ़े तरीके से ही पूछूंगी। तुम लड़कों का कोई काम नहीं है। कैसी हो तुम? काली छोड़नी ऐसी है। इसे थप्पड़ लगा दूं क्या? जब चुप रहती हो तब कितनी अच्छी लगती हो। तुम ऐसे ही सोती रहो, हम जो लेने आए हम ले लेंगे। इसे क्या चाहिए? निकम्मा शहजादा क्या ढूंढ रहा है? निकम्मा शहजादा जूता चोर निकला, पर ये मेरे जूतों को क्या करेगा? तैयार? धीरे बोलो ना, सुन लेंगे। अभी कुछ देर के लिए सुन्न हो जाएंगे, कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं रहेंगे। यानी हम इनकी आंखों के सामने से महल में दाखिल हो जाएंगे और इन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा? बिल्कुल पता नहीं चलेगा शहजादे। आओ। ये लोग महल के पीछे वाले दरवाजे से क्यों जा रहे हैं? इनके
के तो होश ही उड़े हुए लगते हैं। खैर, मेरा काम तो आसान हो गया। वक्त बहुत कम है हमारे पास, हम लोगों को काम बांटने पड़ेंगे। सिपाहियों को संभालने की जिम्मेदारी तुम दोनों की, और यादों की बरात का कमरा ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी। लेकिन आप अकेले? हम अकेले का, तुम दोनों का साथ और चोरनी के जूते है ना? है? आपा, आशिक अपनी माशुका की अंगनी आप पाजेब रखते हैं, आप जूते रखते हैं? शहजादे ऐसे ही होते, और तुम दोनों सिपाहियों से बच के रहना, जल्द मिलेंगे। मुझे लगा अभी अभी अलादीन यहीं था, उस तरफ गया होगा। मैं इसे आका से दूर ले जाता हूं। शहजादा मुझे चोरनी चोरनी कहते हैं और खुद मेरे जूते चुरा के गायब हो गया। गया कहाँ? जहां कोई नहीं जाता अलादीन उन्हीं रास्तों पर जाता है। मुझे यकीन है कि वो यहीं मिलेगा। कोई है? घुस बैठ गया। सुल्तान को बताना होगा। तो चारों तरफ सिर्फ तस्वीरें तस्वीरें। हाँ, तो तस्वीरों के अलावा और कुछ है ही नहीं। लगता है हमारा अंदाजा गलत था। कुछ दिनों के लिए एक बहुत ही खास मुहिम के लिए महल के बाहर जाने वाले, और हमारे इस नामौजूदगी में हम चाहते हैं सुल्तान। ये इतना अड़बड़ाया हुआ क्यों है? खास बात होगी कोई?
आप लोग चले, हम आप सभी से बाद में मुखातिब होते हैं। जफर सलाम। ओ, क्या बात है? घुसपैठिया। कहाँ? जिधर जाना मना है। महल में आने वाले को हम बुलाते हैं, लेकिन उस खुफिया जगह पर जाने वाले को मौत बुलाती है। ये निशान, निशान तो मच्छर का है। ये बेवकूफ जो कोई भी हो, उसे तो हम नहीं बख्शेंगे।